गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप स्लाइड ऑडियो वीडियो सब विजिबल है। और वीडियो अगर बीच में बंद भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था देखिए जी, थोड़ा सा एक बार रिकॉल। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। थोड़ा सा एक बार उसको रिकॉल करते हुए चलते हैं। और आज की क्लास आपको मैं प्रॉपर कोशिश करूंगी कि इसको खत्म करते, बट लेट्स सी कि कितना खत्म हो पाता है। बट वही है क्योंकि मैं निपटाना भी नहीं चाहती। ठीक है, कहाँ तक हम लोग एवोल्यूशन में पढ़े थे? बहुत सारी थ्योरीज हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। थ्योरीज वाला पार्ट अब आप लोग समझ चुके हो कि क्या है कहानी क्या नहीं है। लास्ट टाइम पे हमने जो स्टार्ट किया था वो पढ़ा था मैम एविडेंसेस, क्योंकि हम सारे के सारे लोग जो हैं, इंसान किस पे बिलीव करते हैं? सबूतों पे। ठीक है, अगर हमें हमारे पास किसी चीज का सबूत है तो हम उस चीज को एग्री कर लेते हैं, वरना हम उस चीज को डिनाई कर देते हैं कि नहीं जी भाई ऐसा कुछ नहीं, ये सब बकवास की बातें हैं। वही हाल हुआ था किनका? लेमार्क जी का। लेमार्क ने अपना काम किया और उसको पब्लिश कराया, बट यस उनके काम में कोई भी हमें साइंटिफिक एविडेंस देखने को नहीं मिला। ठीक है, मॉन्स्टर को भी स्क्रीन अभी से ही इतने नहीं बोलो भाई, मेरे में तो दिखा रही है फोन में। मैम वॉइस तो आ रही है, स्क्रीन स्टक हो गई, बहुत देर हो गई। यस मैम, यस मैम, मेरे फोन में मैं दिख रही हूँ, फोन में तो मैं दिख रही हूँ, फिर पता नहीं क्यों स्क्रीन स्टक हो गया। मैम दिख रहे हो लेकिन स्क्रीन स्क्रीन प्रॉब्लम है बस। रुको एक सेकंड मैम, आप जो लिख रहे हो ना वो नहीं दिख रहा। समझ गई बेटा, समझ गई। देखो एक बार, एक बार मैंने फिर से किया है, लेट्स सी। आ गया ना? ठीक है, अब आ रहा है। ठीक है चलो, बच्चे लोग क्या क्या मैसेज कर रहे हो? मैम आपने एवोल्यूशन के अलावा और क्या लिखा है? अब आ गया होगा सबूत, 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 एविडेंस लिखा हुआ, एवोल्यूशन नहीं लिखा है बच्चों, सबूत लिखा है। ठीक है देखो, चलो देखते हैं कहाँ तक चलती है हमारी क्लास। ठीक है, क्या है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो लेमार्क ने हाँ जी मीनू लगभग ठीक है। लेमार्क ने अपना बहुत सारा काम किया और बट उनके काम को हम लोगों ने क्यों नहीं माना? क्योंकि हमें साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिले। क्या बोल रहे थे वो? उन्होंने बोला कि जिन चीजों ऑर्गन्स का यूज है वो तो हमारे काम कर जाएंगे, मतलब वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाएंगे। जिन जनरेशन जिन ऑर्गन्स का हमारे पास यूज नहीं है वो ऑर्गन्स हमारे खत्म हो जाएंगे। बट फिर क्या था कि ऐसी कहानी जो थी उसको पूरी तरीके से डार्विन जी ने जो है डिनाई किया। ठीक है हाँ जी, इंटरनल फोर्स वाला जो कहानी था, बट डार्विन ने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें उसको प्रॉपरली तरीके से क्या कर दिया, उन्होंने डिनाई कर दिया। अभी भी आगे स्क्रीन फिर से स्टक हो गई ना? यस मैम, क्योंकि डार्विन और डिनाई आप लोग को शायद नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे फोन में भी नहीं आ रहा है वो। यस मैम राइट, एक सेकंड दो। अब ये कौन बच्चा बोल रहा है क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है? एक मिनट देना। बच्चे मैंने बोल तो दिया है, बस एक सेकंड के लिए और रुको, बट आई गेस अब आ गया है ना? यस मैम, यस मैम। एक्स्ट्रा वाला करा हुआ था बट फिर भी पता नहीं क्यों जो है वो काम नहीं कर रहा है या क्या रीजन है। ठीक है चलो, हम अपनी डायरेक्ट स्लाइड्स पे आते हैं क्योंकि मुझे भरोसा नहीं कि कितना देर तक चलेगा। मैम फिजिक्स में भी यही होता है। यस मैम, उसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे में हमेशा। मैम फिजिक्स की क्लास तो कल हुई नहीं थी हमारी, आज सुबह हुई है। यस मैम, इतना बारिश हो रहा है ना हमारे यहाँ, भयंकर बारिश हो रहा है जैसे कहते हैं। मैम यहाँ भी बहुत भयंकर बारिश है। दिल्ली में भी हो रही है बारिश बट यहाँ पे भी वही हाल है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो चीजें है ना वो हमारी चल नहीं रही है। देखो स्क्रीन तो अब चल रही है, मेरी भले ही वीडियो पॉज हो रही है बट कोई बात नहीं, मेरी शक्ल में आपको इतना कोई इंटरेस्ट। ठीक है, हमारे तो लाइट ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूर्वांचल नगर की यही है। चलो कोई बात नहीं, जेनेटिक वेरिएशन हमारा पहला आज का टॉपिक है। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या है? अब आप लोग को ना लगभग लगभग एक आइडिया है कि जीन्स क्या होते हैं, वेरिएशंस क्या होते हैं और ये जो जेनेटिक वेरिएशन है वो आते कहाँ से हैं। करेक्ट, आप लोगों को ये बात जो है समझ में आती है कि मैम अगर मैं आपको एक वर्ड दे दूं एक जगह पे
ये जेनेटिक वेरिएशन का मतलब समझा दो तो आप बता दोगे कि मैम जीन्स का जो एक हमारा ये है, सपोज वाला कॉलम इसी को देख लो, ठीक है, जीन्स का जो हमारा अरेंजमेंट रहा होगा ना वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ होगा, उसकी वजह से हमें क्या जीन्स में तो अरेंज जो है वेरिएशन देखने को मिल ही रहे हैं, और साथ ही साथ हमको कहाँ पे जो उनका फिजियोलॉजिकल बिहेवियर है, जो उनका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, वहां पे भी हमें जो है वेरिएशन देखने को मिल रहे, ठीक है मैम? स्टक हो रही है, बार बार ऐसे मत बोलो स्टक हो रही है। देखो वाईफाई तो मेरा अभी भी रेड पड़ा हुआ है, मैं फोन के उससे डाटा के उससे हॉटस्पॉट को चला रही थी, बट अब वो भी नाटक दिखा रहा है। सुनो सुनो सुनो, ज्यादा मैं आज स्क्रीन पे नहीं लिखती हूँ, मैं आपको वर्बली बोल दू उतना तो सुनाई पड़ रहा है, या वो भी सुनाई नहीं पड़ रहा है? यस मैम, ठीक है, सुनाई पड़ रहा है, ठीक है, फिर मैं लिखती नहीं हूँ, मैं आज आपको बोल के ही समझा के करती हूँ, ठीक है? बट फिर यही होगा कि तुम लोग को रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी नोट्स बनाने के लिए। चलो, मैंने आपको कहानी क्या सुनाई, हमने कहानी स्टार्ट की, अब जहाँ वॉइस अटके तो वो बता देना मुझे प्लीज, कि जेनेटिक वेरिएशन हमारा क्या है, कि जीन्स में, अब जीन्स आपको पता है कहाँ पे, डीएनए, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, और डीएनए हमारा किससे मिलके बना है, नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बना है। तो जितने भी हमारे जो ये नाइट्रोजनस बेसिस आपको दिख रहे हैं, इन नाइट्रोजनस बेसिस में एक सिंगल सा भी चेंज, ठीक है, अब वो सिंगल चेंज जो है किसी भी रीजन से हो सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो पढ़ा था जब हम लोग मॉलिक्यूलर पढ़ रहे थे, उस टाइम पे हमने पढ़ा था म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन हमारा सबसे तगड़ा रीजन था जिसकी वजह से हमें ये जो जेनेटिक वेरिएशन है वो देखने को मिले थे। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब मेंडल ने अपना काम किया था तो उस टाइम तक हमारे पास क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चल रहे थे, सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स हमको देखने को मिल रहे थे। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मेंडल के काम को किस लिए डिनाई कर दिया गया था, मेंडल के काम को मैम इसलिए डिनाई कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने, बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि दुनिया में ना बहुत सारे वेरिएशन है, क्योंकि अगर हम एक फ्लावर की ही बात को लेके चल लें, बट हाँ हाँ जी मेरी मैथ्स वाला रीजन तो था, बट वेरिएशन जो था एक स्ट्रॉन्ग रीजन था जिसकी वजह से मेंडल के काम को रिजेक्ट कर दिया गया था। कि अगर हम रोज का भी एक फ्लावर ले लें, तो पहले टाइम ऐसा था कि रोज के फ्लावर में सिर्फ वो एक रेड रोज या फिर व्हाइट रोज ही चलता था, बट अब हमारे पास क्या है, एन नंबर ऑफ वेराइटीज है रोजेस की भी, रेड है, पिंक है, येलो है, ब्लू है। ऐसा मत बोलो भाई की वॉइस नहीं हो रही, वॉइस नहीं हो रही, हाँ वॉइस जो है वॉइस स्ट्रक नहीं हो रही है। चलिए जी, ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है हमारे पास, कि इसी ये जो हमारे वेरिएशंस होते हैं ये क्या है, वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचते हैं, ठीक है, यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि इनहेरिटेबल वेरिएशंस होते हैं, एंड ये क्या है, दे आर द फॉर्म ऑफ मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं कौन, ये जेनेटिक वेरिएशन, जीन्स का अरेंजमेंट एवोल्यूशन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है, जिसे कहते हैं फाउंडेशन ले, फाउंडेशन ले करना, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग जो है पॉइंट रखता है अपने आप को, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब ये जो जेनेटिक वेरिएशन है वो किस वजह से हो सकते हैं, जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था, म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन मैम एक जेनेटिक फैक्टर है, म्यूटेशन क्या है, एक जेनेटिक फैक्टर है, बट अभी जब हम लोग स्टडी किया गया था तो ये पाया गया कि सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स ही नहीं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हमको क्या है, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो ये हमारे जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो हमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी देखने को मिल रहे हैं। ओके मैम, अब ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वाली कहानी है मैम, उसमें क्या क्या है, ठीक है, हर एक वर्ड जो है ना इससे आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग आप लोग कितनों को जानते होंगे, जैसे अगर एक नॉर्मल मैं आपसे हिंदी में ही पूछूं तो माइग्रेशन का मतलब सब जानते होंगे, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, एनीवन? मैम एक जगह से दूसरी जगह जाना, यस मैम, दूसरी जगह जाना, क्या बात है राधिका, बिल्कुल अच्छे से रट के आई हो, हाँ जी बिल्कुल सही बोला राधिका ने कि माइग्रेशन मींस क्या है, मुझे ना एक्चुअली थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा मैम, जिन्हें स्थाई लोग कहा जाता है सोशल में पढ़ा है। ओके, देखो ये दिख रहा है अभी क्या स्क्रीन पे, बिकॉज मेरी स्क्रीन पे तो अभी नहीं आया मैम, नहीं आया, नहीं आया ना मैम, नहीं आया, चलो जी कोई बात नहीं, ऐसे ही समझ लो, ठीक है, आ जाए तो मुझे बता देना। माइग्रेशन की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो माइग्रेशन जो है वो लीड करता है हमारा, हम अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं फिर, ओ जी
ठीक है, माइग्रेशन जो हमारा है वो किसको लीड कर रहा है, किस पेज पे आ रहा है, उस पेज पे नहीं आ रहा है, क्या नाटक है भाई। चलो ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ। माइग्रेशन जो है हमारा वो किस चीज, क्या चीज क्रिएट कर रहा है मैम, वो मैम जेनेटिक वेरिएशन लेके आ रहा है। वो क्या ला रहा है, जेनेटिक वेरिएशन लेके आ रहा है। अब जेनेटिक वेरिएशन जो है वो अब किस चीज को लीड करेगा, मतलब उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जेनेटिक वेरिएशन का रिजल्ट क्या निकलेगा, जेनेटिक वेरिएशन का रिजल्ट निकलेगा एक बहुत ही तगड़ा वर्ड, स्पीसीएशन। एवोल्यूशन तो हम पढ़ ही रहे हैं वैशाली, बट इसका रिजल्ट, अगर हम माइग्रेशन से जेनेटिक वेरिएशन हुआ, जेनेटिक वेरिएशन का रिजल्ट पूछे, तो आपके लिए एक वर्ड आ जाता है स्पीशिएशन। ठीक है, अब इसे आप समझाओगे कैसे किसी को, ठीक है। स्पीशिएशन जो होता है ना, स्पीशिएशन वर्ड जो आप समझ रहे होगे कि किससे निकला होगा, सेम स्पीसीज के बीच में, बिटवीन सेम स्पीसी। देख रहे हो, जब काम खराब होना होता है ना तो प्रॉपर खराब होता है, ठीक है, बिटवीन सेम स्पीसीज। ठीक है, सेम स्पीसीज और स्पीसीज का डेफिनेशन आपको पता है बहुत अच्छे से, स्पीसीज हमारे कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पीसीज, करेक्ट। तो जो स्पीसीएशन होता है वो हमेशा हमें सेम स्पीसीज में देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ ये बात तो हो गई हमारी क्लियर। अब दूसरी चीज क्या कह रहा है, ये जो स्पीसीएशन है ये क्या है, ये भी एक इवोल्यूशनरी स्टेप ही तो हुआ। कैसे, कैसे का मतलब ये हुआ मैम कि एक टाइम रहा होगा कभी कि क्या होगा ना, कि हमारे पास एक पॉपुलेशन थी, सपोज कर लो कि वो एक जगह पे रह रही थी, आराम से सुकून से रह रही थी, ठीक है। कुछ भी एनवायरमेंटल फैक्टर हुआ, सपोज कर लो कि टेम्परेचर, एनवायरमेंटल फैक्टर समझ लो कि क्या बोलते हैं, वो समझ लो कि वहां पे खाने की कमी होगी। हाँ वैशाली, थैंक यू। ठीक है, वहां पे फूड का कमी होने लगा, तो उनके ना कुछ ग्रुप ऑफ स्पीसीज ने क्या सोचा कि हम ना यहाँ से निकल के पड़ोस वाले जंगल में चले जाते हैं, ठीक है, पड़ोस वाले जंगल में चले जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि कैसा है। और वो जंगल, अब आपको क्या लगता है, जैसे हम इंसान हैं वैसे पड़ोस पड़ोस में तो नहीं देख रहे होंगे, वो थोड़ा सा माइग्रेट जब कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ पे कहानी हमारे पास क्या आ गई कि ये जो स्पीसीज थी, एक स्पीसीज थी स्पीसीज वन, ठीक है, चलो मैं कह देती हूँ स्पीसीज ए, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गई है। नाउ उस स्पीसीज का नाम क्या आ जाएगा, स्पीसीज ए वन। क्यों, क्योंकि जब वो एक जगह से दूसरी जगह गई तो क्या ये गारंटी है, क्या इस पर्टिकुलर एरिया का जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल सेम होगा इस जगह का भी, नहीं, ठीक है। तो स्लोली एंड स्टीडली क्या होगा, यहाँ वाली जो स्पीसीज होगी ना वो अपनी ओरिजिनल स्पीसीज से, जहां से वो माइग्रेट होके आई है, माइग्रेट मतलब मूव होके आई है, वहां से चेंज होने लगेगी, और ये चेंज भी हमें स्पीसीएशन का एक रीजन देता है, ठीक है। तो नाउ आई होप आपको माइग्रेशन वाला जो पार्ट है वो प्रॉपरली समझ में आया कि माइग्रेशन जो है जेनेटिक वेरिएशन कॉज करता है, कैसे उसकी वजह से हमें स्पीसीएशन हमें मिलता है, क्योंकि हमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की स्पीसीज देखने को मिल रही हैं, ठीक है। चलो जी, अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे नॉन रैंडम मेटिंग, ठीक है, नॉन रैंडम मेटिंग के बारे में हम लोग करेंगे बाद में थोड़ा सा बात, बट अभी के लिए पहले जो इंपॉर्टेंट वाला टर्म है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वो देख लो, वो है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये रैंडम मीटिंग होगी मैम, क्या, हाँ जी ये रैंडम मीटिंग होगी, अभी बता रही हूँ मैम। फर्स्ट वाला पॉइंट एक बार रिपीट करना, पॉज आ रही थी। कौन सा पॉइंट मैम, फर्स्ट वाला पे पॉज हो रही थी। माइग्रेशन में मैंने बस बच्चों इतना बताया कि माइग्रेशन से मैम जेनेटिक वेरिएशन, ये जेनेटिक वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल वेरिएशन। यस मैम। अरे वाह, चलो कोई नहीं, जेनेटिक वेरिएशंस जो होते हैं ना वो हमारे जो हैं इनहेरिट कर लिए जाते हैं, ठीक है, अभी के लिए प्रोजेनी, हाँ, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और वो क्या करते हैं, एक रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करते हैं इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चेंजेस जो होंगे वो ये हमारे जेनेटिक लेवल, जीन लेवल पे ही जाके होंगे, तभी हमें फिजिकली दिखेंगे, फिजिकली कह लो या मॉर्फोलॉजिकली कह लो, तभी हमें दिखेंगे, ठीक है। चलो जी, अब क्या कह रहे हैं, अभी हमें जो नेक्स्ट टर्म पढ़ना था वो है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। अभी तक तो स्क्रीन वैसे चल रही है,
और आपकी क्लास के साथ पता प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग सारे के सारे एक चीज पे रेडी हो गए नहीं, वरना मैं सबसे बेस्ट ये करती कि मैं अभी ये क्लास ना लेके कल मॉर्निंग में हम लोग ये क्लास कर लेते हैं, बट वही है। मैम आज फिजिक्स की भी हुई थी हमारे 11 बजे, तो आप ले सकते हैं मॉर्निंग में। अरे बट तुम्हारी क्लास के बच्चे नवाब है ना। चलो नवाब ने ज्वाइन की थी मैम, कल तो ले सकते हो, कल संडे मैम, कोई नहीं कल सुबह ले लेना। नहीं नहीं कोई नहीं, ओके कोई नहीं कोई नहीं, अभी हम लोग देखते हैं कितना हमारा चलता है, वरना फिर हम मंडे को ही अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कोई ना, मैम कोई नहीं कल सुबह ले लेना। नहीं नहीं मैंने नेट का रिचार्ज कराया है, वेस्ट नहीं करना इसको। चलो जेनेटिक ड्रिफ्ट वाले पे हम आते हैं, देखें अभी चल रहा है ये, पता नहीं क्यों ब्लैंक स्ट्राइड पे ही आके नहीं चल रहा है। मैम ब्लैक साइड पे ना नेट ज्यादा लेता है। पता नहीं क्या नाटक है ये, एक सेकंड दो। मैम आप ब्लैंक स्ट्राइड को यूज ही मत करो फिर। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में समझाऊंगी कैसे, देखो इस स्लाइड पे पूरा आ रहा है, फिर मैं इसी को इरेज कर करके बताती हूँ तुम्हें, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगी और मैं यहीं पे पड़ोस में आपको लिख के बताती हूँ। चलो कोई ना जी, चलो जी चलो 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 चलो। जेनेटिक ड्रिफ्ट अब मैम है क्या? ठीक है बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा वाला कॉन्सेप्ट है ये हमारा। मैं काम करती हूँ नेक्स्ट वाली स्लाइड पे ही थोड़ा सा आ जाते हैं, अगर ये वहां चल रहा हो तो। देखो ये वाली स्लाइड आई, हाँ ये तो आ गई। चलो इसी पे थोड़ा सा पढ़ लो। थैंक यू सो मच। चलो कोई एक्चुअली वो मेरी आदत है ना, मुझे साथ में लिखने का बहुत पुराना आदत है, ये अभी का नहीं है। चलो जेनेटिक ड्रिफ्ट, अब हमारी कहानी क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जैसे अभी किसी एक बच्चे ने बताया कि क्या है मैम, ये डायरेक्शन लेस है और रैंडम है। ठीक है डायरेक्शन लेस और रैंडम, दोनों वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? रैंडम और डायरेक्शन लेस, अगर आप ना इनके ये दोनों चीजें कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। अच्छा आप में से कौन से बच्चे हैं जो एक और भी इफेक्ट को जानते हैं? जैसे एक तो बॉटल नेक इफेक्ट आपके सिलेबस में दिया ही हुआ है, इसके अलावा भी कोई और इफेक्ट है क्या? No idea. फाउंडर इफेक्ट। बिल्कुल सही दीपिका, ठीक है फाउंडर इफेक्ट। ठीक है और दोनों में ना बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस। देखो पहली बात तो ये कि मैम इसको डायरेक्शन लेस हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होगा कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलेगा। ठीक है डायरेक्शन लेस का मतलब क्या हुआ कि वी आर नॉट अवेयर कि इस पर्टिकुलर का रिजल्ट है वो क्या निकलेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये डायरेक्शन लेस है। क्योंकि और रैंडम क्या है कि वो किसी भी पॉपुलेशन में कभी भी हो सकता है। ठीक है नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से भी, या फिर कोई भी एक रीजन मान लो उसकी वजह से। तो यहाँ पे कहानी क्या होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट की, कि इट इज द, पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फिर समझते हैं। इट इज द एलिमिनेशन और एडिशन ऑफ जीन्स ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स व्हेन सम एनिमल्स इन अ पॉपुलेशन माइग्रेट और डाई और इमाइग्रेट। क्या कहानी हुई मैम, समझ में कुछ नहीं आया? देखो जी यहाँ पे कहानी ये चल रही है हमारी, हम सीधे इसी वाले पे आ जाते हैं इफेक्ट वाले पे, कि हमारे साथ क्या हुआ कि हमारी ना एक छोटी सी पॉपुलेशन एक जगह पे रह रही थी। सपोज करो एक जंगल था हमारे पास, ठीक है एक जंगल में हमारे पास जो है काली चींटी भी थी। ठीक है पूरे जंगल में ऐसे करके ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है ये हमारे पास काली चींटियां भी थी, मत हाँ अब मैं चींटियां ऐसे ही बना पा रही हूँ। ठीक है और हमारे पास रेड वाली चींटियां भी थी। ठीक तो हुआ ये कि ये जो हमारा क्या था, ये मैंने आपसे क्या बोला, ये हमारे पास जंगल था। अब हुआ ये कि अचानक से ना एक दिन इस जंगल में क्या आ गई, कार। इस जंगल के बीचों बीच से कार पास कर गई, यू सपोज कर लो। ठीक है ये बीचों बीच से कार पास कर गई। नाउ हमारे पास क्या हो गया, अब हमें मिला क्या कि इसका रिजल्ट जो कि कैसा है, डायरेक्शन लेस है। हमें नहीं पता कि कौन से डायरेक्शन में गया। अभी तक हमारे पास यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो जो ग्रीन वाली स्पीसीज थी, ग्रीन वाली, उससे कितने स्पीसीज दिख रही थी आपको, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है 11 स्पीसीज है सपोज। ठीक है हाँ चीटी मर गई। और फिर जो हमारी रेड वाली स्पीसीज थी वो कितनी थी, वो हमारे पास 7। बट जब ये कार पास हो गई यहाँ से तो ये चीटियां क्या हो गई, मर गई। ठीक है अब आगे जाके हो सकता है कि ग्रीन वाली का जो पॉपुलेशन था, ठीक है मैं सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। ठीक है चलो इसको थोड़ा सा नंबर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है मैंने गलती से वो कर दिया। ठीक है सपोज कर लो यहाँ पे 10 थी और ये हमारे पास 15 थी, बट ये 15 ना बीचों में थी।
ग्रीन वाली जो थी ये बीच में थी, ठीक। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ कि अभी तक क्या हो रहा था कि ग्रीन वाली का पॉपुलेशन ज्यादा था और रेड वाली का पॉपुलेशन कम था, बट अब हमारे साथ क्या हो गई कहानी, अब हमारे साथ मैम कहानी उल्टी हो गई कि अब हमारे पास जो ये रेड वाले का पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो गया है और इसका कम है। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना कि क्या पता ऐसा हो जाए कि हमारी जो ग्रीन वाली है उसका ही पॉपुलेशन ज्यादा रहे बट नंबर कम हो जाए। हो सकता है यहाँ पे 5 ही ग्रीन वाली बची हो और रेड वाली तो क्या पता 2 ही बची हो, ये भी तो एक रिजल्टेंट हो सकता है ना। तो ये भी एक हमारे साथ पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो इसी को हम पढ़ते हैं किसके अंडर में, इसी को हम पढ़ते हैं बॉटल नेक के अंदर में। एक्चुअली ये यही हुआ हमारे साथ कि यहाँ पे जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ना, जो आपने कहा कि मैम ये डायरेक्शन लेस है और रैंडम है, तो हाँ जी बच्चे ये डायरेक्शन लेस भी है और रैंडम भी है, क्योंकि कार रोज रोज तो पास नहीं हो रही थी वहां से, एक दिन अचानक से पास हुई, ठीक है। और कार का क्यों, आप नेचुरल क्लाइमेटिस का एग्जाम्पल ले लो कि अभी तक इस जंगल में कभी आग नहीं लगी थी, यहाँ सपोज करो जंगल में आग लग गई, कोई भी रीजन हो सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं बॉटल नेक के इफेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं क्या हुआ यहाँ पे मैम, इट चेंजेस द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, हाथी ने, हाँ जी रितु बिल्कुल, हाथी ने पैर रख दिया, हो सकता है कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना कि हमारा जो जीन की फ्रीक्वेंसी है, अभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको जीन की फ्रीक्वेंसी और एलील की फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है मैम, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, पहली चीज हमने पढ़ ली थी डायरेक्शन लेस है, दूसरा रैंडम है, तीसरी चीज क्या हो गई कि ऑकर्स स्मॉल ओनली इन स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है, ये हमारी तीसरी चीज है। अब आगे क्या है, तो अब इसकी डेफिनेशन भी देख लो कि आपको लिखना क्या है कि चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स इन अ जीन पूल इज कॉल्ड हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट, कि जीन पूल में हमारे चेंजेस आ जाए, ठीक है, दिस इज योर जीन पूल, ठीक है, दोनों कलर की वो हमारे पास प्रेजेंट है उसी को हम जीन पूल कहते हैं। तो वहां पे हमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वही को हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। चलो जी, बॉटल नेक तो आपको समझ में आ गया कि बॉटल नेक में क्या हुआ, द लॉस ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन बाय डेथ एंड आफ्टर सम टाइम अ न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड। न्यू स्पीसीज जब फॉर्म हो जाती है तो उसे ही हम कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिला कि यहाँ पे हमारे पास जो इनका पॉपुलेशन था वो अलग अलग था, बट यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ कि एक नेचुरल ट्रेजडी हुई और जिसकी वजह से इसका पॉपुलेशन जो है फिर से अलग हो गया। तो फाउंडर इफेक्ट क्या है, तो फिर फाउंडर इफेक्ट क्या है, ठीक है, न्यू स्पीशीज फाउंडर इफेक्ट, हाँ प्रेरणा लगभग वही है जो अभी आपने बोला कि न्यू स्पीशीज का बनना। अब ना यहाँ पे कोई कार वार पास नहीं हुई, ठीक है, ये इनकी पूरा पॉपुलेशन समझ कर लो ऐसे ही है, ठीक है, ये रेड वाले को आप लोग कुछ ऐसे ही मान लेना, घास वास है, ठीक है। ये हमारे पास एक जंगल में फिर से दो तरीके की स्पीसीज प्रेजेंट थी। अब कुछ स्पीसीज ने क्या कहा ना, उन्होंने सोचा कि यार यहाँ पे ना बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है, हम एक काम करते हैं दूसरी जगह जाके रहते हैं। इन्होंने पड़ोस वाला जो जंगल था वहां पे गए और इन्होंने अपना नया एरिया बना लिया, माइग्रेट कर गए, बिल्कुल सही ऋतु, ठीक है। कुछ स्पीसीज जो थी, कुछ, ठीक है, कुछ जो स्पीसीज थी मैम वो यहां से मूव कर गई, ठीक है, सारी नहीं, कुछ उसमें से आ गई। तो अब ये एक एरिया से दूसरी एरिया में जब आ जाते हैं तो यहाँ पे अब आपको क्या होगा, वही फिर से कि यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर क्योंकि अलग अलग हैं, इसकी वजह से आपको जीन्स में वेरिएशंस देखने को मिलने लगेंगे आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है। ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर यू आर गोइंग टू नोटिस जेनेटिक वेरिएशन इन दीज पर्टिकुलर स्पीसीज, और इसी वजह से ये इस स्पीसीज से जो यहां से ही आई है, यहाँ की ही स्पीसीज से ये अलग हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपको, ये है हमारा फाउंडर इफेक्ट, ठीक है, दिस इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट। चलो जी, स्पीसिएशन एंड देन एवोल्यूशन, हाँ जी, पहले स्पीसिएशन एंड दैट विल लीड टू ऑटोमेटिकली लीड टू एवोल्यूशन, ठीक है, समझ में आया ये वाला बात पूरा पार्ट। Yes, ma'am. चलो जी, अब अगर आपको जैसे ना कभी कभी क्या होता है एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर को पता है कि तुमको क्या ना
ये चीज पता है कि ये हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जीन पूल क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, बॉटल इफेक्ट क्या होता है, डेफिनेशन पता है, बट कभी भी कोई भी पेपर उठा के देखना, कभी भी किसी चीज की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। और विभव जी मैं ऐसे नहीं कर रही अभी, प्लीज तुम बार बार रिपीट करवाओगी हम लोग अभी वो वाला नहीं कर पाएंगे, लास्ट में रिपीट करूंगी अरिबा मैं प्लीज। ठीक है, देखो आप हमारे साथ क्या, मुझे पता है मुझे नेटवर्क इश्यू है, बट प्लीज थोड़ा सा ये भी समझो कि मेरे यहाँ पे भी नेटवर्क इश्यू है, मेरे यहाँ लाइट नहीं है। ठीक है, पता चला ऐसा टाइम आ जाएगा कि मैं कैंडल जला के बैठी हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा वो कर लो आज के लिए, जैसे कहते हैं सब्र, गर्मी तो है, यू कैन सी पसीना इज टप 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 टप, बट कोई नहीं। चलो जी, यहाँ पे आपसे जो पूछा जाता है ना बच्चे जी, वो पूछा जाता है केस स्टडी करके। क्या पूछा जाता है आपसे? केस स्टडी। कैसे मैम? केस स्टडी में ना एक आपको, मुझे नहीं पता कितनों लोगों ने ये बात सुनी है नहीं सुनी है, एक ना बीमारी है, कोई जानता है क्या इसको? ये पॉलीडेक्टाइल लिम, सॉरी, कोई बच्चा जानता है इस बीमारी को? ऋतिक रोशन जो है उनको है ये, समझे आप थोड़ा सा? समझ गए क्या मैम? लकवा एक तरीके से कह सकते हो, मतलब पैर काम नहीं करता। नहीं मैम, इसमें एक्स्ट्रा फिंगर अपीयर हो जाती है। फिंगर, हाँ जी, एक एक्स्ट्रा फिंगर आ जाती है, उसे हम कहते हैं पॉलीडेक्टाइल लिम। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो जैसे मैम हमारे हाथ में एक्स्ट्रा फिंगर्स आ जाते हैं। हाँ जी, नहीं है, नहीं नहीं तुम्हारे नहीं है, ये ना एक फाउंडर इफेक्ट है। ठीक है, कैसे मैम? यहाँ पे ना एक जगह है, क्या बोलते हैं, अगर मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने सुना है, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है जिसमें अमीश पीपल्स कहते हैं। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी है अमीश पीपल की, वो लोग ना एक जगह पे रहते हैं, और दूसरा एक हंटिंगटन्स जो है वो भी एक डिसीज है, वो भी हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती है। एक्चुअली क्या है ना कि एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे ना अमीश पीपल करके रहते हैं, मतलब उन पर्टिकुलर लोगों को ना अमीश पीपल का ही वो हमने क्या बोलते हैं टैग दे दिया है। क्यों? क्योंकि उन वहां पे ना आपको हर दूसरे आदमी में ये बीमारी देखने को मिलेगी, जो एक्स्ट्रा फिंगर वाली है ना, जैसे हमारे पास अगर आप पूरी इंडस्ट्री को ही उठा के देख लो अभी के लिए, ठीक है, हम सिर्फ फिल्म स्टार्स को ही ले लेते हैं, कि पूरे के पूरे फिल्म स्टार्स में आएंगे सिर्फ ऋतिक रोशन ही ऐसा है जिसके पास ऐसी उंगली है, करेक्ट। बट जब आप इन अमीश पीपल्स की बात देखोगे ना, तो वहां पे हर कहां पर है? स्विट्जरलैंड, रशिया और भी बहुत सारी जगह, इंडिया में। मैं कहती हूँ ना कुछ एक चीज क्या करा करो बेटा, गूगल। हाँ, हर एक चीज मैं लेके आ जाऊंगी तुम्हारे लिए। चलो, तो ये जो है ना, ये बोलते हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी का नाम है जहाँ के लोगों पे एक एक्स्ट्रा वो आपको देखने को मिलती है। दूसरा आ जाता है एक हमारा हंटिंगटन डिसीज। ठीक है, अब हंटिंगटन डिसीज जो है वो अगर आपको मैं बोलूं तो साउथ अफ्रीका की एक पॉपुलेशन है। हाँ जी, ठीक है, हाँ, साउथ अफ्रीका। अबे ऐसे मत बोलो प्लीज कि तुमको हंटिंगटन डिसीज के बारे में नहीं पता है। ये ब्रेन नाम से नहीं जानता, कोई बात नहीं, आज के बाद जान जाओगे आफ्टर द क्लास। ठीक है, हंटिंगटन एक जो डिसीज है वो ना साउथ अफ्रीका के कुछ लोगों में बहुत ही ज्यादा रेयरली पाई जाती है। ठीक है, चलो जी, अब एक शॉर्ट नोट बना के इसका ग्रुप में डाल देना भाई प्लीज। चलिए जी, तो मेरे अकॉर्डिंग अब आपको क्या बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट और जो ये है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यस, थोड़ी बहुत चीजें वी आर लैगिंग बिहाइंड, एंड नाउ आई गेस जो थोड़ा सा है, मतलब इंटर वाईफाई तो नहीं आया है, बट मेरा फोन जो है अब थोड़ा सही काम कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट के आप लोगों को कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो लिखने हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिखा देती हूँ। जैसे पहला 3 से 4 पॉइंट तो आप लोग को याद ही है, कौन कौन से? पहला पॉइंट है डायरेक्शनलेस रैंडम अकर ओनली इन स्मॉल पॉपुलेशन। क्या बात है, इतना अच्छा, डायरेक्शनलेस रैंडम, ठीक है, अकर्स इन स्मॉल पॉपुलेशन ही बस लिख देती हूँ, अकर्स क्या वो तो समझ ही जाओगे। ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन में ही होती है, और ये क्या है, एक तरीके का एवोल्यूशन है ड्यू टू, इसका नाम सब, इसका पॉइंट मतलब है ड्यू टू हमारा जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, और इसके अलावा कोई और पॉइंट जो आप लोग समझ सकते हो, बोलो। स्पेसिएशन पढ़ा था ना, ओनली इन स्पीशीज। हाँ, स्पेसिएशन इसी में आ जाता है बच्चे। ठीक है, कोई नहीं,
कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना नहीं, फाउंडर इफेक्ट तो मतलब उसके वो है ना, क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट्स हैं, ठीक है, फाउंडर इफेक्ट ये हम पढ़ रहे हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। चलो जी कोई और आएगा, देखो अब इसकी वजह से ना हो सकता है जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, होमोजाइगस कंडीशन का आना, होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब सबके सब समझते हो? यस मैम, डोमिनेट होने से एलील्स और सेम होने से फाउंडर इफेक्ट को लेके चलें, पोर्टल इफेक्ट की बात नहीं, फाउंडर इफेक्ट को अगर हम लेके चलें तो वहां पे क्या हो सकता है हमारे साथ, हो सकता है कि वो जो एक कंडीशन है वही। अच्छा पता है बॉटल इफेक्ट को बॉटल इफेक्ट क्यों कहते हैं, किसी को पता है क्या ये बात? मैंने ये स्टोरी पूछी नहीं तुम लोगों से, एनीवन इन द क्लास? किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही जहां तक होता है इसलिए, मेबी ये तो कोई रीजन नहीं हुआ कि बॉटल इफेक्ट कहते हैं इसलिए। मेरे को मेरी मैम ने कहानी सुनाई थी, एक्चुअली ना इन्होंने जो स्टार्ट इसको प्रूफ किया था ना, कैसे किया था ना, इसको एक बॉटल ले ली थी, इसको उल्टी उल्टी बॉटल ना समझे। यस मैम, मैम पता है फिर मैंने उल्टा करा तो कुछ कुछ निकली थी, मतलब स्पेसिफिक नहीं निकली थी सारी, तो डिफरेंट पढ़ लिया ये। लड़की को अब आया क्वेश्चन समझ, बट कोई बात नहीं, अब मैंने डायग्राम इतनी मेहनत से बना दिए हैं, नाउ आवर इंटरनेट इज आल्सो वर्किंग फाइन, तो फिर हम पूरा बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा पास क्या है, बॉटल है एक, और इसमें मैंने क्या भरे हुए हैं, कंचे, ठीक है। हाँ, जो आपको ये कंचे दिख रहे हैं ना, वो एक रेड कलर का है, एक ग्रीन कलर का है, एक ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का। ये हमारे पास अलग अलग स्पीसीज हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको एक बॉल दिया और मैंने आपसे बोला कि हाँ जी वैशाली लाइट आ गई, प्लीज नजर तक मारो। तो हमने क्या किया, इस बॉटल को ऐसे करके पलटा, और जैसे ही पलटा है ना उसे, आपको मैम समझ गए पता होगा कि कौन से बॉल्स आएंगे इसमें। हो सकता है कि चारों रेड वाले ही आ जाएं, पॉसिबिलिटी है ना एक, या हो सकता है कि एक रेड वाला आए और बाकी तीनों ब्लू वाले आ जाएं, है ना, या हो सकता है मैम तीनों एक ही एक आ जाएं, एक रेड एक ग्रीन एक ब्लू, ठीक है। इसी वजह से हम इसे बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि बॉटल के नेक से कौन सा निकलेगा वो हमें नहीं पता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों ने मेरे से पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, मुझे अभी एकदम से याद आया कि मैंने ये तो बताया नहीं इन लोगों को बॉटल नेक को बॉटल नेक क्यों कहते हैं, ठीक है। चलो जी आ जाओ हम इस पे थे, ठीक है। जेनेटिक कहाँ पे आ गए, होमोजाइगस कंडीशन। देखो अगर सपोज ये वाली कंडीशन होती है ना, अगर हम कंडीशन वन को लेके चले तो ये हमारी कैसी कंडीशन हो गई, अब हमारी होमोजाइगस, ठीक है। एंड आपको पता होगा होमोजाइगस कंडीशन में बीमारी फैलने का जो चांसेस होता है वो हाई होता है या लो? हाई होता है, हाई होता है, वेरी हाई, मतलब हाई। होमोजाइगस कंडीशंस में बीमारी फैलने का चांस इज वेरी वेरी वेरी, क्योंकि एलील सेम होते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही, क्योंकि एलील सेम होते हैं, हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे ज्यादा। चलिए जी अब इसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, आपने अभी किसी ने एक पॉइंट बोला था तो हम उस पॉइंट को अलग से भी एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि इट लीड्स टू स्पीसिएशन, आप बोल सकते हो वर्ड, ठीक है। नाउ यू आर क्लियर विद द वर्ड कि स्पीसिएशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। नाउ और कौन सा एक रीजन बन सकता है बताएं जी, म्यूटेशन भी बोल सकते हो, म्यूटेशन नहीं। क्या आप इस वाले को देख के, अभी बॉटल को मत देखो, ठीक है, इस वाले पार्ट को देख के, बी पार्ट को देख के, आप ये बता सकते हो कि ए में ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या रही होगी? नहीं मैम, नो मैम। तो ये भी जो है ना एक बहुत ही तगड़ा इसका क्या है, प्रॉपर्टी है कि बॉटल इफेक्ट, अब मैं थोड़ा सा छोटा लिख दूंगी ना, बीई से समझ में आएगा ना, बॉटल इफेक्ट एंड जो फाउंडर इफेक्ट है हमारा वो हमें दे डज नॉट, ठीक है, दे डज नॉट रिप्रेजेंट, या फिर आप रिप्रेजेंट की जगह टेल भी कह सकते हो, टेल द करेक्ट, किसकी क्या चीज नहीं बताते हैं ये, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्चुअल पॉपुलेशन, ठीक है। चाहे आप बॉटल नेक को देख लो, चाहे हमारा वाला जो फाउंडर इफेक्ट था, फाउंडर इफेक्ट को देख लो, कहा गया फाउंडर इफेक्ट, ये क्या, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो ये जिस पॉपुलेशन से आए हैं वहां पे कितना उसका एक्चुअल पॉपुलेशन क्या था, लगा सकते आप, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो है हमारे इफेक्ट हमें नहीं बताते
कि ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है वो हमारी क्या थी। ठीक, अब आता है हमारा इसका लास्ट पॉइंट। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, बट मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि होमोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, बीमारी फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट एक ये भी तो पॉसिबिलिटी आप लेके चलो ना कि अगर सपोज कर लो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में आधों को बीमारी हो रही थी, ठीक है, और जो मूव किए हैं वो कौन से करे हैं जो कि बीमार नहीं है। तो ये भी तो एक है ना कि हम यहाँ पे हार्मफुल एलील्स को फिक्स कर सकते हैं। वी कैन फिक्स हार्मफुल एलील्स। ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। समझ में आया सबको? ये yes, आठ की आठ प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्लियर है सबके दिमाग में, ऐसे थाई से गई है ना। चलो जी, तो ये रहा हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला पार्ट भी खत्म। ठीक, और हमारा इसमें अब हम लोग वहां पे पहुंच गए। देखो, हमने माइग्रेशन समझ लिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ लिया, म्यूटेशन तुम्हें पता ही है, हाइब्रिडाइजेशन रिकॉम्बिनेशन पता ही है। चलो जी, अब आगे हम बढ़ सकते हैं। ठीक, चलो 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 चलो, ये अच्छा, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है क्या, एक बार देखना प्लीज। मैंने भी बोला नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा है, नहीं है ना? चलो इसको बाद में देखते हैं, हमारे पास टाइम बचता है तो, बट फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला अगला हमारे पास कौन सा दिया हुआ था, जीन रिकॉम्बिनेशन। बट क्या ये हमें मुझे समझाने की जरूरत है आपको, जीन रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। क्यों अरिबा, आता है ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट नहीं आता बच्चे आपको? ना, मुझे नहीं आता। नीतू, आपको भी नहीं आता है सच में? नहीं, वो तो मुझे पता है मजाक क्यों कर। यस मैम। कोई बात नहीं नीतू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, जीन रिकॉम्बिनेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था ना नीतू, शायद आप उस टाइम पे क्लास में नहीं रहे होंगे हमारे, बट मैंने ना बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। इसके लिए ना फिर आपको, मतलब मैं आपको यहाँ पे तो पढ़ा रही हूँ, जितना पार्ट यहाँ पे भी जरूरी है हमारे पास, बट बाकी जो आप ना उसको जेनेटिक वाले स्लाइड से करना। चलो शुक्र है, रिकॉम्बिनेशन किया तो था हमने। चलो जी, कोई बात नहीं, एक बार नीतू जी के लिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। ठीक है, देखो नीतू ध्यान से सुनो, क्या है हमारा जीन रिकॉम्बिनेशन। एक्चुअली जब हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, तो ये आपको पता होगा कि ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। बट जीन्स जो है हमारे किस कैसे प्रेजेंट होते हैं, हमारे जीन्स जो है मैम एलील्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट। और एक क्रोमोसोम में दो ही एलील्स आ सकते हैं, और जो दो एलील्स आएंगे वही हमारे एक्सप्रेस करेंगे। फिर से सुन लो नीतू ध्यान से, एक क्रोमोसोम में जीन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, ठीक है, लूजली पैक्ड होते हैं, कुछ टाइटली पैक्ड होते हैं। बट हम जो जिन जीन्स को पढ़ते हैं वो हमेशा, या फिर कह लो कि जो जीन अपना इफेक्ट दिखाते हैं वो हमेशा लूजली पैक्ड वाले जीन्स होते हैं। जीन्स जो है हमेशा दो फॉर्म्स में अपने आप को इफेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम कहते हैं एलील्स। बहुत सारे एलील्स हो सकते हैं, मल्टीपल एलील्स हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। ठीक है, नहीं पढ़ा है आपने तो एक बार जेनेटिक्स की क्लास को प्लीज जाके देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एलील्स है, उन एलील्स में से कोई दो जीन ही एक बार, सॉरी कोई दो एलील्स ही एक बार में एक्सप्रेस करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है कि ये जो एलील्स हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, आपको पता होगा कि एक क्रोमोसोम में सिर्फ एक तो नहीं होता है ना जीन, यहाँ पे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास क्या है, नहीं चलो इसको नहीं, इनको ही हम नंबर दे देते हैं। नीतू देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इनको हमने 5 नंबर दे दिया है। अब रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है ना नीतू, जो चीजें ज्यादा पास में होती हैं, ठीक है, जो चीजें ज्यादा पास में होती हैं, इसका मतलब क्या है, उनमें आपस में लिंक बहुत ज्यादा है। जैसे जो अड़ोसी, ठीक है, जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो क्या करते हैं, कभी क्या बोलते हैं, भाभी जी दही दे दो, चीनी दे दो, ठीक है, सब्जी दे दो, ऐसे करके चलता रहता है हमें। बट जो आपके जो लोग हैं वो आप कॉलोनी के स्टार्टिंग में रहते हो और वो कॉलोनी के एंड में रहते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो होगा एक्सचेंज आपको देखने को नहीं मिलता है ज्यादा। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पे है कि जो जो हमारे एलील्स हैं वो पास पास में होंगे तो उनमें आपको रिकॉम्बिनेशन देखने को कभी नहीं मिलेगा। जैसे 4 और 5 है, 3 और 4 है, 2 और 3 है, 1 और 2 है, इनमें कभी भी हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है।
बट अगर हम पूछें कि सबसे बेस्ट रिकॉम्बिनेशन किस में देखने को मिलेगा, तो सबसे बेस्ट मैम हमें 1 और 5 में देखने को मिलेगा। जो चीज जितनी जिससे दूर है उसमें उतना रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा अभी आपको नीतू तो रटर रटाया है, ठीक है, ये माइट बी उस टाइम पे क्लास में नहीं रही होंगी। ठीक है, तो यही चीज है वो, ठीक है, जो यहाँ पे लिखी है कि इट इज द प्रोसेस। ये फिर से चलना बंद हो गया क्या? नहीं चल रहा, ठीक है। हेलो हेलो, लिख नहीं रहा ना अभी तुम्हारे में? नो मैम। सब्र सब्र सब्र, देखते हैं हेलो यहाँ पे लिखा हुआ आता है या क्रोमोसोम के ऊपर नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा अब यहाँ पे क्या है, नया रिकॉम्बिनेशन बनेगा। आपको पता है ना कैसे नए रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, कि ये यहाँ से टूट गया, ये जाके दूसरे क्रोमोसोम्स में जुड़ जाएगा, इंसर्शन, ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ी हुई थी नीतू, ठीक है। तो आप वहां से थोड़ा सा देख लेना तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है भाई, एक टाइप का हमारे पास जीन है, ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया A1, दूसरे टाइप का जीन है A2। जैसे हाइब्रिडाइजेशन कैसे समझ सकते हो कि वो ही हमारा टोमेटो पोमेटो वाला, कि एक हमारा पोटैटो है दूसरा टोमेटो है और मिला के हमने क्या बना दिया लैब में, पोमेटो, ठीक है। बट ये वही वाली बात हो जाएगी कि ये हमारे कैसे हैं, स्टेराइल हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे लाइगर वाला, बट ये हमारे क्या हैं, हमारे स्टेराइल हैं, तो इसीलिए ये हमारे काम नहीं करेंगे। यूट्यूब पर सर्च कर, क्या सर्च करना है नंदिता मैम, इसको रिकमेंड तो नहीं करोगे, यूट्यूब पर चलकर दे सकती है, समझ जाएगा। नहीं मैं आपकी बात नहीं समझी मैम, उसको आपने बोला ना समझ नहीं आया, तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना। नहीं नहीं, वो बिटली लिंक आपके अवेलेबल है बच्चे जी, उसी में आप जाके देखो, आराम से आपको सब कुछ मिलेगा। चलो, इट इज अ मेथड ऑफ मिक्सिंग द जीन्स ऑफ टू पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन के हमने जीन्स एक साथ में मिला दिए। इट चेंजेस द जीन फ्रीक्वेंसी एंड ऑल्टर्स द फीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। वो सबसे पहले क्या करेगा, जीन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा और फिर बाद में फीनोटाइप को भी चेंज कर देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा क्या, नेचुरल सिलेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या वेन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या वेनबर, सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास, उसके बाद हम पहले उसी पे चलेंगे, बाकी छोड़ते हैं अभी। नेचुरल सिलेक्शन की कहानी क्या है, नेचुरल सिलेक्शन भी आपको मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या है, बहुत ज्यादा सबको डिटेल में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एक लाइन आपको समझा देगी। इफ डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन मतलब क्या, सम इंडिविजुअल प्रोड्यूस मोर, सम ओनली अ फ्यू एंड स्टिल कुछ तो ऐसे हैं जो नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सबकी जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो क्या है, अलग अलग है। लाइक एलिफेंट जो है वो 2 साल में शायद एक ही बार बेबी को ले करता है, राइट। और वही अगर हमारे हम क्या बोलते हैं डॉग्स की पॉपुलेशन की बात करें, 6 साल में वो 6 पपीज को एक बार में ले कर लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि कुछ जो है बहुत सारे इंडिविजुअल्स को एक बार में रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ बहुत कम को करते हैं, और कुछ जैसे हमारे म्यूल्स हैं जो कि एक को भी नहीं कर सकते, ठीक है। बट आपको फिर भी पता है कि अगर हमारा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन जो है कंटिन्यूस रहेगा बहुत जनरेशन तक, जीन्स ऑफ द इंडिविजुअल विच प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रीडोमिनेट कर जाएंगे जीन पूल में। मैम ये सब वर्ड्स आप क्या क्या पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहे, अभी सबको जीन पूल और ये सब जो चीजें है ना, सबका सब एलील फ्रीक्वेंसी जीन फ्रीक्वेंसी सब समझ में आएगा, बस थोड़ा सा सब्र करो। जैसे ही हम HWP पे पहुंचेंगे वैसे ही, हाँ HWP इज योर हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, थोड़ा सा सब्र रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि जो पॉपुलेशन जितना ज्यादा जनरेशन टू जनरेशन अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगी वो ही क्या करेगी, डोमिनेट करने लगेगी हमारी इस एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, और बाकी हमारे मतलब अगर हम उनको कंपेयर करें तो, ठीक है, उनके जीन पूल को कंपेयर करें तो, ठीक है। तो दस द नेचुरल सिलेक्शन अकर्स थ्रू द डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन हमारा जो है वो कैसे हो सकता है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन की वजह से ही हो सकता है अलग अलग जनरेशन में। चलो जी आ जाओ जी सबसे मोस्ट अवेटेड टॉपिक हमारी क्लास का। हाँ जी खुशी मैम, एलिफेंट में गेस्टेशन पीरियड 2 ईयर्स का होता है। अरे मैं एग्जांपल की बात कर रही थी, मैंने कहा था मोर देन 1 ईयर होता है। ओके मैम, इतना एकदम 6 पे नहीं लिया जाता है। अब हर डॉग्स तो 6 क्या बोलते हैं पपीज को नहीं ले करते हैं ना, बट फिर भी उस पे तो नहीं बोला आपसे।
भाई कोई गूगल से कर देख के मुझे बताए कि क्या बोलते हैं कितना होगा। 18 to 22 months। 18 to, हाँ तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला, 18 to 22 months वो उसी के बराबर पे पहुंच गया लगभग। चलो जी अब आ जाता है हमारा क्या, हार्डी विनग्रेट प्रिंसिपल। ठीक है अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, बहुत ही तगड़ा, बट पहले हम पढ़ेंगे कैसे मेरी वाली स्लाइड से, बट आई विश कि ये जो स्लाइड है रुके ना प्लीज। ठीक है एच डब्ल्यू पी बोलते हैं इसे हम, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। क्या होता है ये मैंने आपको ये बात पहले, चलो मैं बात मान के चलती हूँ, मैंने आपको ये बात नहीं बताई अभी तक। ठीक है पहला पॉइंट जो आप हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में सीखेंगे वो ये है मैम कि ये जो होगा ना इट विल अकर इन अ पॉपुलेशन, ये एक ऐसी पॉपुलेशन में आएगा जो कि इंटरब्रीड करते हैं। ठीक है तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे, अकर्स इन पॉपुलेशन विच इंटरब्रीड। ठीक है मतलब क्या हुआ मैम कि ये एक, हाँ जी ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज को लेके चलते हैं। ठीक है ब्रैकेट में लिख लो कि ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज में होगा। ठीक है तो उसे हम कहते हैं क्या, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का पहली पार्ट। ठीक है अब इसमें यहाँ पे एक्चुअली हमें पढ़ना क्या होता है ना, यहाँ आपको पढ़ना होता है या कह लो कि जो चीज निकालनी होती है वो आपको निकालनी होती है एलील की फ्रीक्वेंसी। कितनों को आप क्लियर है एलील फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, और दूसरी निकालनी होती है मैम हमें जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। बच्चे चल रहा है यार, मेरी स्क्रीन पे भी आता है मैम, मेरे फोन में पता नहीं कुछ कुछ लिख के आ रहा है लीविंग योर हॉटस्पॉट, एक सेकंड दे रहा हूँ। कोई ना मैम ये एलील फ्रीक्वेंसी वही है ना, मतलब जितनी कॉमन कॉमन वो होंगे कॉमन एलील। नहीं नहीं प्रेरणा अभी आप इस पे मत जाओ, ठीक है अभी जो मैं जितना आपसे भी पूछ रही हूँ ना बच्चे, आप बस उस पे थोड़ा सा ध्यान दो वरना थोड़ा सा ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा बस ये मुझे बताओ आपको एलील का मतलब समझ में आ रहा है ना, एलील जैसे अगर हम बात करें ये ए ए ए ए और ए ए, ठीक है इसमें हमारे ना, इसमें मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ इसमें एलील कितने हैं हमारे पास, हम टू ही तो है, कौन कौन से, स्मॉल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। देखो जी आदर्श जी क्या लिख रहे हैं, एक कैपिटल ए एक स्मॉल है, यही तो एलील है बच्चे हमारे पास। yes, बट अगर हम जीनोटाइप की बात करें, नॉट फिनोटाइप, जीनोटाइप की बात करें, जेनेटिक अरेंजमेंट की, कहां से सीख रहे हैं, थ्री ठीक है तो ये जो है हमारे पास जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मैम हमारे पास तीन तरीके की है। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, दिमाग में जा रहा है चीजें, ठीक है ये थोड़ा सा हल्का सा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बच्चे क्योंकि यहाँ पे ना न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे अभी, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है बट हल्का सा टफ है। एक बार फिर से सुन लो, किसी ने बोला रिपीट के लिए कि ये नया टॉपिक है, साथ में सुनते हुए दोबारा से मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पे आपको दो चीजों का कैलकुलेशन करना होता है, हार्डी पूरा नाम क्या है इनका, हार्डी सिंधु नहीं, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है हाँ जी वो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस है रितु, कोई बात नहीं अब रितु, बट मैं आपको बताऊं एक बार आप कर लोगे ना तो आपको ऐसी आदत लग जाएगी ना कि आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा उसका, हमेशा मींस हमेशा, मैं खुद से भी आपको लिख के दे सकती हूँ, मतलब एक ही आध ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें मैं खुद भी फंस जाती हूँ, ठीक है बट 100 में से ना 98% क्वेश्चंस आप अपने आप निकाल लोगे इजीली, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है हाँ जी हार्डी सिंधु नहीं। चलो यहाँ पे हम लोग को दो चीजें निकालनी है, आपको क्वेश्चन में यही देखना है, ठीक है चलो मैं रिटर्न में दे दूंगी रितु आज लिख के साइन करके, ठीक है कि हमें पहले ये पता करना है कि मैम हमें एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो एलील की फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे एलील दो तरीके के हैं, दिस एंड दी, और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये हमारे पास तीन टाइप के हैं, ठीक है तो नाउ यू नो कि एलील फ्रीक्वेंसी क्या है और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, बट बिफोर कि हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की भी क्या है कुछ बेटा प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो मेरे को फिर चैट समझ में नहीं आते ना, मैं इसलिए देखती नहीं ज्यादा चैट। देखो यहाँ पे भी पहली चीज क्या है हमारी, चलो आपस में कर लो बात, पहली चीज क्या है कि मैम जो ये हमारा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल हम लगाएंगे ना वो कोई भी रैंडम मीटिंग्स पे लगा सकते हैं या फिर कह लो रैंडम पॉपुलेशन पे लगा सकते हैं, जैसे हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। मुझे पता है अभी आपको हार्डी वेनबर्ग पूरा समझ में नहीं आया है तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज बस अभी के लिए समझ लो, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इन
सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उड़ गई मैम स्क्रीन, उड़ गई, कोई नहीं, आएगी, मैं तब तक लिख देती हूँ। ठीक है, हाँ ये हमारी शाम हमारी ओनली इट विल अकर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अब आता है इसका सबसे तगड़ा पॉइंट, वो क्या मैम कि इसके लिए आपको बट आपको पता है थोड़े टाइम बाद वो आ जाती है। ठीक है, देखो आ गई मैम, आ गई, हाँ तो बस थोड़ा सा सब्र कर लो, चलो ज्यादा मत बुलवाओ भाई, सांस लेने में वैसे दिक्कत हो रही है मुझे। चलो क्या है, ओनली इन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, रैंडम पॉपुलेशन, तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो इसमें है वो यहाँ पे ये होगा कि इट विल अकर ओनली इन लार्ज पॉपुलेशन साइज। ठीक है, ये हमेशा लार्ज पॉपुलेशन साइज में होगा, हमारे फाउंडर इफेक्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट की तरह छोटे पॉपुलेशन में नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमेशा लार्ज पॉपुलेशन साइज में ही होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इनके पास ना नो सेक्सुअल सेलेक्शन। ठीक है, सेक्सुअल सेलेक्शन का मतलब क्या है कि इनके पास ना चॉइस ऑफ मेटिंग नहीं होगी। ठीक है, दे वोंट बी हैविंग चॉइस ऑफ मेटिंग, तो यहाँ पे कोई सेक्सुअल सेलेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो तीन पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं हमारे ये क्या, पहला तो आएगा कि जैसे अभी नो सेक्सुअल सेलेक्शन पड़ा वैसे ही नो नेचुरल सेलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। मैम नो सेक्सुअल सेलेक्शन का मतलब क्या है, मतलब प्रोकैरियोट यू कह रहे हो? नो नो, मेटिंग चॉइसेस, मेटिंग चॉइसेस। अच्छा स्पीशीज, हाँ जी, विद इन द स्पीशीज ही आपको वो करना पड़ेगा, मतलब क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, दूसरा जो है स्पीसीज से आप मेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नो सेक्सुअल सिलेक्शन। फिर नो नेचुरल सिलेक्शन, नो म्यूटेशन। ठीक है, इस वाले में कभी भी कोई म्यूटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड लास्ट कि नो कम्युनिकेशन, नहीं नहीं, नो माइग्रेशन। ठीक है, ये इसकी क्या है प्रॉपर्टीज है। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको अभी के लिए समझ में आ गई है तो हार्डी विनग्रेट प्रिंसिपल को हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं कि ये हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, देखो अब अगर जिनको चाहिए ना कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं आपके लिए इसकी ना जो डेफिनेशन है आई होप लिखी होनी चाहिए इसमें। चलो हम यहीं से देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी, फिर आगे बढ़ेंगे मेरी स्लाइड्स पे वापस से। क्या है ये, दे एस्टैब्लिश अ सिंपल मैथमेटिकल रिलेशनशिप टू स्टडी द study of gene frequency, कि gene की frequency क्या है, उसके लिए इन्होंने क्या करा, एक mathematical representation जो है, relationship जो है, वो दे दी। ठीक है मैम, mutation introduce in new genes into a species resulting in a change in gene frequency, but हमने अभी क्या पढ़ा कि यहाँ पे हमारे को mutation नहीं चाहिए, नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कोई mutation नहीं होगा। अभी सुन लो, पहले अभी सुन लो, समझ लो, फिर आगे समझना। ठीक है, आपको और ज्यादा क्लियर मिलेगा कि बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि बायोलॉजिस्ट ने क्या करा कि तीन उनके पास मेजर कैटेगरीज लगा दी, एक लगा दिया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, दूसरा डायरेक्शनल सिलेक्शन और तीसरा डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये क्या है मैम, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो पहले इसको समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है ये, अब हमारे पास ये क्या है ना, आपके पास सपोज कर लो कि ये आप कैसे समझो कि ये एक पॉपुलेशन है। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलो 5 ही ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 5 डिफरेंट स्पीसीज हैं। ठीक है, उनके यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ये सबकी अभी तक जो पॉपुलेशन है, अरे बेटा थोड़ा सा सब्र रख लो, थोड़ा सा। ठीक है, अभी क्लियर कर रहे हैं, क्लास हमारी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉपुलेशन है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही, कि हमारे पास एक ये पॉपुलेशन है जिसमें हमारे पास 5 तरीके की स्पीसीज हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो, और ये उनकी पॉपुलेशन है, मैंने यहाँ पे 2-2 लिख बता दिए। यहाँ पे कहानी क्या चलेगी, इन्होंने बोला स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पीक होगी ना वो आपकी कैसी रहेगी, बिल्कुल सीधी। सीधी का मतलब क्या हुआ, सीधी का मतलब यहाँ पे ये चीज आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे ना हमारे पास कोई चेंजेस नहीं होंगे, इस पर्टिकुलर वाले में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जैसा ये था वैसा ही यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा। ठीक, नहीं बच्चे जी स्टक नहीं, ठीक है स्टक नहीं है, मेरे में भी चल रहा है फोन में साथ में, इसलिए मैं फोन का ऑफ नहीं कर दिया। नहीं है मैम, हाँ जी, फिर दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात ये हुई हमारे साथ
क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो थी बिल्कुल ही परफेक्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी स्पीसीज थी सारी की सारी बिल्कुल स्टेबल है, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। बट देयर इज अ हाई चांस, वही जो हमारे दूसरे वाले इफेक्ट थे, कि यहाँ पे कोई भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर आ जाए, कोई भी एक नेचर का डिजास्टर आ जाए, वही बाढ़, तूफान, आंधी, भूकंप, कुछ भी, जैसे क्या हो जाएगा हमारे पास, कि हमारी जो स्पीसीज थी ना उसमें से सपोज कर लो क्या हुआ कि 5 वाली उड़ गई, प्रॉपर गायब हो गई, और जो सेकंड वाली थी वो भी पूरी गायब हो गई। अब हमारे पास क्या रह गया कि ये 3 ही स्पीसीज रह गई, ठीक है। हम 5 से स्टार्ट किए थे बट हमारे पास अब 3 ही स्पीसीज है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो एक पर्टिकुलर साइड को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, पीक जो है आप देख रहे हो अभी तक कैसी थी, एकदम बीचों बीच, स्टेबलाइजिंग में भी सेम बीचों बीच रही, बट जब हम बात करते हैं किसकी, डायरेक्शनल की, तो वो क्या हो गई, अब एक जगह एक साइड में शिफ्ट हो गई, ठीक है। चलो जी, दूसरी कहानी क्या है इसकी, दूसरी और लास्ट कहानी है हमारी इसकी डिसरप्टिव सिलेक्शन। एक सेकंड दीजिए, हाँ जी, दूसरी लास्ट कहानी क्या है हमारी, डिसरप्टिव सिलेक्शन। सपोज कर लो भयंकर ही तबाही हो गई, ठीक है, ये भी गायब हो गया, अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 2 पॉपुलेशन रह गई और दोनों की भी क्या, एक एक गायब हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, 2 पीक्स आ जाएंगी, इसको हम कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। कितनों को डायग्राम और ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो गया, और आपसे पता है इसमें कुछ और पूछा भी नहीं जाता, आप एक बार फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस बता दो फिर से। सीरियसली वैशाली, फर्स्ट वाले में तो बच्चे कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना, हमारी पीक जैसी थी, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है पूरी तरीके से फेवर कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान यही चीज चाहिए, 3 चीजें चाहिए जिंदा रहने को, yes, ma'am. पूरी चीजें उनके पास अवेलेबल है। अब जी कहां से वापस आ गए आप, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है बिल्कुल परफेक्ट है, पूरा तरीके से क्या कर रही है, फेवर कर रहे हैं, तो पीक हमारी कैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी, ठीक है। एक तो मैम मतलब इनमें वेरिएशंस भी नहीं होगी, जो स्टेबल है चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये जैसी है वैसी की वैसी चलती रहेगी। फिर अगला हमारे पास कैसा है, डायरेक्शनल, कि हमारी जो एक स्पीसीज है वो प्रॉपरली लूज हो रही है, लॉस हो रहा है उसका, और दूसरी स्पीसीज का फायदा हो रहा है, तो हमारी जो पीक है वो क्या हो रही है, देख रहे हो यहाँ पे एक्चुअली ना, आप थोड़ा सा ग्राफ में कैसे करोगे ना, मैं आपको बताती हूँ, जस्ट वन सेकंड, ये हमारा नॉर्मल ग्राफ है बच्चे, ठीक है, नॉर्मल ग्राफ है। अब पहला हमारा क्या था, स्टेबलाइजिंग वाला, तो स्टेबलाइजिंग वाला जो होगा वो बिल्कुल हमारे नॉर्मल ग्राफ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो जी, दूसरा हमारा कौन सा है, कौन सा बोला हमने दूसरा, डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, ठीक है। आपको एग्जाम में जो पूछा जाता है ना वो भी यही पूछा जाता है, मेरा इसकी इमेजेस ही पूछी जाती है। अब ये हमारा कहाँ पे था, आपको ज्यादा क्लियरिटी चाहिए ना बच्चे, तो आप क्या कर लो, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये थोड़ा एक इजी तरीका रहेगा आपको याद करने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5। अब ये हमारे पास ग्राफ जो होगा कैसे हो जाएगा, इसका जो पीक आएगा वो हमारा अलग से होते आएगा, शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा मेरा कमर कुछ ज्यादा ही टेढ़ी हो गई उसकी, ठीक है। ये अभी तक ये हमारा कहाँ पे दिखा रहा था, ये अभी तक हमारी जो पीक थी ये 3 पे आ रही थी, 1, 2, 3, 4, 5, और डिसरप्टिव में क्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी कहीं ना कहीं 4 और 5 के बीच में आ रही है। आप समझ में आया, यस मैम, ठीक है, कौन मैसेज कर रहा है, बच्चे जी मैम पढ़ाने में बिजी है, यार पता है ऐसे मत किया करो, पता है इसके उस वजह से ना मेरे को मेरे अकॉर्डिंग उसमें कंप्लेन भी हो जाती है, मैम पढ़ाने में बिजी है। श्रेया क्या पूछना है बच्चे आपको, हाँ जी श्रेया बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं ये लड़का कुछ तो गड़बड़ करता है, मैं एक दिन इसके घर पे फोन करने वाली हूँ अब पूछने के लिए कि बायो की क्लास में कहाँ चला जाता है। अरे कंप्लेन रिगार्डिंग की ना, मैं बच्चों की जो चैट बॉक्स है उसको नहीं देखती हूँ, ठीक है, बट खुद से सोचो ना, मैं हर टाइम चैट बॉक्स ही देखती रहूंगी तो फिर मैं पढ़ा कैसे पाऊंगी तुम्हें, थोड़ा अकल तो बच्चों को भी लगानी चाहिए ना।
चलो और लास्ट हमारी कौन सी रहती है, डिसरप्टिव वाली रहती है। हाँ मुझे वही मुझे भी लग रहा है वो। ये हमारी स्टेबलाइजिंग, ये डायरेक्शनल वाला मैम। नहीं, डिसरप्टिव वाला मैम हमारा ऐसे आधा आधा, एक दो पे एक पांच पे, खत्म कहानी। आप समझ में आया ये? ठीक है यस चलो, मैम। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये मैं इसके ना बस आपको वो दूंगी, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट्स कि उनसे आपको बस तो रटना है, क्योंकि इसमें कुछ भी पढ़ाने वाला काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ रटने वाली विद्या है हमारी। बट हाँ अभी हमारा, अगर आपको लग रहा है हार्डी मेंबर खत्म है, तो नहीं बेटा जी, अभी हमारा हार्डी मेंबर चल रहा है। देखो जी, अब आप नंदिता क्या कह रहे हो नीतू? बोल नंदिता नहीं, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। चलो सुनो मेरी बात, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ जी बिल्कुल पूजा, चलो जी। हाँ जी नीतू भाई, हो गई, वीडियो चलो 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 चलो, क्या है? पॉज हो गई थी। नहीं नहीं वीडियो नहीं, बस ये स्क्रीन लिखी हुई आ जाए, बिकॉज मुझे पता लिख रहा है कि अभी स्क्रीन तो अभी चल नहीं रही तुम्हारी, बट चलने लगेगी कोई बात नहीं, तब तक मैं लिख दे रही हूँ। अब हम लोग ना हार्डी वेनब्रुक प्रिंसिपल के कौन से वाले पार्ट पे आ गए हैं? हम आ गए हैं उसके न्यूमेरिक फॉर्म पे, ठीक है, कि हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए कि हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी को और जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है दोनों को कैसे आप निकालोगे, क्योंकि हार्डी वेनब्रुक प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट व्हाट, कि इट जो हमें ये क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कितनी है, इन्हीं दोनों को बताता है। जैसे कि अगर अब आप लोग जानते होंगे, क्या करूं मैं, ये स्क्रीन नहीं आ रही तुम्हारे पे, कोई बात नहीं मैं लिख देती हूँ, बाद में तो पीडीएफ पहुंच ही जाएगी ना तुम्हें। अगर हम बात करें तो क्या है, आई नो अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही है। ए ए जो है हमारा क्या, अगर हम दोनों कैपिटल ए ले ले तो वो क्या है हमारा, वो डोमिनेंट होमोजाइगस है और डोमिनेंट है। बिल्कुल सही बोला आपने, होमोजाइगस है प्लस क्या है मैम, डोमिनेंट है। और साथ ही में अगर मैं आपके साथ क्या लिख दूं, छोटे वाले दोनों ए ले लूं तो वो भी मैम होमोजाइगस है, बट कैसा है, रिसेसिव। है ठीक है, वो रेसेसिव है। और वहीं पे अगर हम थर्ड एंड पे आ जाए, कौन सा, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, तो वो क्या का हो जाएगा, वो हो जाता है मैम हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस ठीक है। और यहाँ पे हमारा हेटेरोजाइगस आपको पता है वही एक्सप्रेस करता है जो हमारा डोमिनेंट वाला होता है। अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपको समझाया ये बात कि जो ए और ए हैं वो हमारे मैम एलील हैं, एलील्स। ठीक है। वाइल जो ए ए एंड स्मॉल ए हैं जो हैं, ये मैम हमारे जीनोटाइप हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग इसमें जीनोटाइप कह लो या जीन कह लो, एक ही बात है, ठीक है। ये इस बात में अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का ना एक बहुत ही सिंपल सा इनका फॉर्मूला है, सुनो मेरी बात ध्यान से, प्लीज 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 थम्स अप लगाना भाई, थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो, 2 मिनट दे दो, 2 मिनट तो नहीं एक्चुअली 10 मिनट दे दो, 10 मिनट में हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। जर्म प्लस हो गया क्या, जर्म प्लस, अरे नहीं वेसमैन जर्म प्लस थ्योरी भी हमारी रह गई है, बट वो ज्यादा, वो तो मैं अभी तुम्हें जाते जाते भी 1 मिनट में समझा दूंगी, ठीक है, उसको उसके लिए मैं रुक जाओ, ठीक है। रितु जी चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, दो टाइप के इक्वेशंस पढ़े। पहला हमारा बिल्कुल सही, देखो बच्चे पढ़े लिखे हुए आए हैं हमारी क्लास में, मतलब पढ़ लिख के आए हैं, ठीक है। पहली हमारे पास है एलील फ्रीक्वेंसी, जो कि हम कैसे निकालेंगे, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये Q है। और हमारा अगर आपको जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। ये हाँ फॉर्मूलाज हैं जो आपको यहाँ पे अप्लाई करने, प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। अब मैम हम इन्हें अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास कि हम इन्हें मैम अप्लाई कैसे करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैम ये जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकाल रहे हैं, ये ठीक है, तो यहाँ पे मैम पुट कैसे करें, पुट आप ऐसे करोगे बच्चे, जो ये हमारा पी स्क्वायर होगा ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे होमोजाइगस को, एक होमोजाइगस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अरे गुड़िया जी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, करके तो देखो एक बार, ठीक है। तो
पी स्क्वायर जो है वो हमारा मैम एक होमोजाइगस स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। जैसे अभी हमने कौन सा लिया था, ए ही लिया था ना, मैं सबको ए इजी लगता है। फिर अगर हम क्यू स्क्वायर की बात करें तो क्यू स्क्वायर हमारा किसको रिप्रेजेंट, नहीं नहीं होमोजाइगस कोई बच्चे, क्यू स्क्वायर भी जो हमारा हाँ रिसेसिव होमोजाइगस, ये सही बोला आपने। और जो हमारा ये टू पी क्यू है ना वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा किसको, हेटरोजाइगस। कहानी खत्म, ठीक है। बस ये इतना सा आपको करना है। अब सपोज करो, देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल कैसे आपके में पूछे जाएंगे। एक पॉपुलेशन है हमारे पास 1000 फ्लावर्स की, ठीक है, एक पॉपुलेशन है 1000 फ्लावर्स की हमारे पास। उसमें कैसे आते हैं आपके रेड वाले जो है वो 600 है, ठीक है, और मेरे को भी याद नहीं आ रहा, रुको छोटा करना पड़ेगा ऐसे। मैम डोमिनेंट रिसेसिव तो बताओ, अभी बता रही हूँ, सब्र करो। वाइट रख लो, रेड पिंक एंड व्हाइट तीनों ही रख लेते हैं, खत्म कहानी, ठीक है। रेड पिंक और व्हाइट वाले में पहुंच गए 1000, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको ले लेते हैं, स्क्रीन गई मैम, 500 ले लेते हैं इसको, 500 ले लो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे रेड हो जाएंगे 400, ठीक है। अब इनका जो है रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये आर आर, ये आर स्मॉल आर, अभी आ जाएगा स्क्रीन, आ जाएगा ये स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि इसकी आपको जीन फ्रीक्वेंसी बतानी है तो क्या बता पाओगे आप जीन फ्रीक्वेंसी, अभी आपकी स्क्रीन आने दो एक मिनट के लिए, यस मैं बता सकते हैं, आने दो आने दो, एक बार स्पीड आने दो बच्चे, यस मैम आपने कराया हुआ है ये, ठीक है आने दो। मेरी कहां गायब हो गई भाई, आ जाओ मैम, आगे पीछे कर दो स्क्रीन, आ जाएगी आगे पीछे ही, हाँ यहाँ आ गई, क्या बात है, पहले दे देते ये आइडिया यार, ठीक है आ गई। अगर आपको इसकी जीन फ्रीक्वेंसी निकालनी है हर एक की तो आप कैसे निकालेंगे मैम, जैसे हमें रेड की निकालनी है तो 400 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। नहीं सुनो मेरी बात, रुको रुको रुको, पहले हम एक काम करते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी से पहले हम एलील फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं, ठीक है। सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ना एलील फ्रीक्वेंसी निकालनी है बच्चे जी, और अपोज कर लो कैपिटल आर की निकालनी है, ठीक है, अभी तो स्क्रीन चल रही है, तो क्या होगी इसकी एलील फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालोगे? एक नया फॉर्मूला है एक्चुअली इसका, तीसरा फॉर्मूला समझ, पी प्लस क्यू ही होगा ना, पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। बट अगर नहीं दिया होगा ना तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि आर आएगा, आर है ही हमारा कितना, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला होता है, वो क्या है, वो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी किसकी निकालनी है, यहाँ पे जैसे कैपिटल आर वाले की निकालनी है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ दोनों, अरे यार मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाऊंगी, दो सेकेंड, मैं ए और आर आर दोनों लिख करते जाऊंगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आर आर, ठीक है, प्लस हमारा हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ, हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। ये आपके इसका फॉर्मूला है बच्चे, मैम इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला है बच्चे, यही मतलब आर आर की जगह आप ए लिख देना, ठीक है। अगर आपको देखो यूजुअली हमारे पास क्या है, ये है कहानी, बट अगर हमारे पास कोई भी इसका डाटा नहीं है कि हमें खुद को नहीं पता कि पी क्या है क्यू क्या है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू, हम आपको पता है मैं हमेशा ए से लेके चलती हूँ कि कोई भी हमारा डोमिनेंट वाला, इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इस, यहाँ पे पहले एक ही ए आता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब हम इसी एक एलील की निकाल रहे हैं, एलील मतलब सिंगल ही होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ये होमोजाइगस वाले कितने आ रहे हैं, प्लस हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हमारा ये वाला, ठीक है। बट इन केस अगर आपको फ्रीक्वेंसी छोटे वाले की निकालनी है तो भी सेम फॉर्मूला, एफ और यहाँ पे स्मॉल स्मॉल वाला प्लस हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ यही वाले फिर से, ठीक है। अब देखो कैसे इंप्लीमेंट करना है हमें इसे, ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से कि हम इसे कैसे लेके आएंगे, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है अलग से,
क्या करोगे आप इसको सुनो, पहले बाकी लोग को भी समझा दें, है ना बच्चे? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास मैम कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ आर निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे बच्चे जी इसे? यहाँ पे आप देखो कि आर आर वाले कितने हैं हमारे पास? 400. ठीक है, तो आपने यहाँ लिख दिया 400 प्लस हमारे पास ये वाले कितने हैं? 500. ये कितने हो गए हमारे पास टोटल? तो 250. ठीक है, और एक यहाँ पे आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट? डिवाइड बाय 1000, क्योंकि कितने फ्लावर्स हैं हमारे पास, जितने नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं आप 1000 से ही डिवाइड करेंगे उसे. ठीक है, और यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा क्या? 650. ठीक है, डिवाइड बाय 1000, तो आंसर क्या मिल गया? 0.65. ठीक है, 0.65 मिल गया. तो अब आपको ना पता है कि r क्या है हमारा, 0.65 है, तो क्या आप स्मॉल r बता सकते हो? यस मैम, 1 से माइनस कर दीजिए. 1 से माइनस करके 1 माइनस 0.35. तो ये आ जाएगा मैम हमारा 0.3. पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? Yes, ma'am. कोई भी ऐसा ma'am, बच्चों ma'am. क्या कह रहे हो बच्चे सानिया? यार एक एक करके बोलो, मैंने पहले सानिया से पूछा है भाई, पहले सानिया बोलेंगी उसके बाद प्रेरणा आप बोलना प्लीज. प्रेरणा एक मिनट, आप तो वो वाले हो ना जाने पहचाने वाले. क्या कह रहे हो सानिया? मैम आपने जो फॉर्मूला लिखा है कि फ्रीक्वेंसी डबल आर प्लस 1/2 कहाँ गया, फिर आपने 400 प्लस 250 लिखा है. ये देखो ना, आर आर के कितने हैं हमारे पास फ्लावर बच्चे? मैंने एक्चुअली डायरेक्ट लिख दिया ना, एक स्टेप खा गए. ठीक है, ये जो गलत है निशाने, ध्यान से देखो बच्चे, आर आर कितना है हमारे पास? 500 है ना. हमने कितना लिया, हमने उसको हाफ कर दिया, तो ये कितना लिया यहाँ पे मैंने? 250 ही तो लिए. कान्या हो गया आपको क्लियर ये वाला बच्चे? कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ध्यान नहीं जाता है. ठीक है, अब आप पूछो प्रेरणा, क्या कह रहे थे आप? मैम माइनस किसको किया आपने? 0.65 को माइनस कैपिटल आर हमारे को निकल गया. ठीक है, अब अगर आपको स्मॉल आर निकालना है, तो हमने इसका फॉर्मूला क्या सीखा है? P plus Q is equal to 1. ये हमने फॉर्मूला सीखा है इसका. एक हमारा P क्या हो गया? R R हो गया. ठीक, दूसरा P कौन सा है? छोटू वाला, ये R हो गया. ठीक है, स्मॉल R, दोनों यहाँ पे एलील्स में एक ही लिखते हैं हम. ये R है, ये स्मॉल R है. तो अब आपके पास R पता है और स्मॉल R आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे प्रेरणा? माइनस. ठीक है, खत्म कहानी. ठीक, चलो जी, डोज ज्यादा तो नहीं हुई आज के लिए? बिल्कुल नहीं मैम. चलो जी, तो फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं बाइंड. नेटवर्क भी खराब है. हाँ जी दीपक, हम जिनो टाइप वाले पे करा देते हैं. दीपक मैं सोच रही हूँ वो कल से करें, बस लास्ट ही है इसका कॉन्सेप्ट, या फिर अगर आप चाहते हो तो फिर मैं एक एग्जांपल, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा. मैम क्वेश्चन ना शेयर कर देना भाई अपने वाले ग्रुप में. रुको एक सेकंड मैम, लीव कर दे. नहीं नहीं एक सेकंड रुको, इतनी जल्दी है लीव करने की तुम्हें ना? मैम कर भी दिया एक जने तो. मैम फिजिक्स क्लास है बस. हां वही मैं सोच रही थी, फिजिक्स क्लास है और मुझे खाना भी खाना. ठीक है, तो हम लोग बस वही वाला हमारा पॉइंट रह गया है. तो और एक हमारा वही जो आपकी जो ब्रेन्स ब्रेन्स वाला रह गया है, ह्यूमन एवोल्यूशन, बस वो रह गया है, उसमें हम लोग कर देंगे. मैम हमें केमिस्ट्री क्लास है. हाँ जी बच्चे बिल्कुल ऐड कर लूंगी, आप मुझे एक बार अपना नाम और हाई मैसेज कर दो, मैं आपको तुरंत ऐड कर लूंगी. मैम व्हाट्सएप में करना है? हाँ जी बच्चे, जो मेरा नंबर है ना व्हाट्सएप वाला, आपका उसमें आप ऐड होगे, उसमें नीचे मेरा अभी मैसेज आया होगा यो क्लास है जो आप कुछ स्टार्ट करके, बस उसमें अपना नाम और हाय मैम, नथिंग एल्स. ओके ओके. हाँ जी बिल्कुल, आप चलिए जी. दीपिका जी बाय जी, गुड नाइट. बाय मैम. क्वेश्चंस नहीं आए तो फिर क्या? नहीं आए मैम, आपने टॉपिक नहीं भेजा.